वीडियो तो आप देख रहे हैं ना, इस वीडियो ने एक बार फिर से यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करने वाली योगी सरकार जरा इस वीडियो को देखे, तब शायद उसको हकीकत पता चले। मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला यूपी के प्रयागराज में सामने आया है। यहाँ इलाज के दौरान एक महिला मरीज की मौत हो गई, लेकिन एम्बुलेंस की सुविधा न मिल पाने की वजह से मजबूर पति को अपनी पत्नी की लाश को 45 किलोमीटर तक ठेले पर रखकर घर ले जाना पड़ा। दरअसल शंकरगढ़ से आए कल्लू ने 5 दिन पहले एसआरएन हॉस्पिटल में पत्नी सोना देवी को सिर में लगी चोट का इलाज करवाने के लिए भर्ती करवाया था। यहां गुरुवार को इलाज के दौरान सोना की मौत हो गई। पत्नी की मौत से कल्लू अकेला पड़ गया। इसके बाद उसने अस्पताल प्रशासन से एम्बुलेंस मांगी, लेकिन उसे नहीं मिली। बताया गया कि शव वाहन भी उपलब्ध नहीं है। कल्लू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्राइवेट एम्बुलेंस को हायर कर सके। मजबूर कल्लू ने रिक्शा ट्रॉली में पत्नी का शव रखा और घर की ओर निकल पड़ा। हैरानी की बात तो ये रही कि रास्ते में ये सब देखकर दुख तो हर किसी ने जताया, पर किसी ने कल्लू की मदद की जहमत नहीं उठाई। रिक्शा ट्रॉली में पत्नी का शव रख कर वो उसे शहर से 45 किलोमीटर दूर शंकरगढ़ तक ले गया। दर्दनाक वीडियो ने एक बार फिर से यूपी के शासन प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।